हेलो एवरीवन, आज हम एक और इंटरेस्टिंग और पावरफुल टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जिस टूल का नाम है एंड्रो बग्स फ्रेमवर्क। एंड्रो बग्स फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स टूल है जो कि स्पेशली एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टूल का प्राइमरी पर्पस जो रहता है वो स्टैटिक एनालिसिस करना रहता है। ये एक ऑटोमेटिक टूल है, ऑटोमेटिक वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करेगा जो कि रिपोर्ट भी आपको लास्ट में जनरेट करके देता है। इस टूल का आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो और लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिनक्स में यूज़ करना है इस टूल का तो यहाँ पर आप गिट क्लोन करके लिनक्स में सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप विंडोज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ आप जाओगे रिलीज में। ठीक है, रिलीज में जाने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी, जिप फाइल मिलेगी, इसको आपको अपने विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी अपने विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, हमारी एक डमी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है एंड्रो बग्स और हाइफन एच। इसकी हम एक बार हेल्प देख लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप हाइफन एफ ऑप्शन लगाओगे तो इसके बाद आप हाइफन एफ ऑप्शन लगाने के बाद अपना एपीके का जो फाइल नेम है वो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें आपकी दो TXT रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इस टूल का यूज़ करते हैं एक बार, हाइफन एफ। ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है विंडोज़ की के अंदर। ठीक है, अगर आप लिनक्स के अंदर यूज़ करोगे हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पर स्लो वर्क करे, बट विंडोज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसका पैकेज नेम, वर्जन और जो इसके हैश कैलकुलेट करके दे दिया है। तो यहाँ पर इसने एक रिपोर्ट नाम का सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, तो वेट करते हैं हम। यहाँ पर इसने स्कैनिंग कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक रिपोर्ट भी इसकी जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं रिपोर्ट के सेक्शन में और यहाँ पर इसकी जो है रिपोर्ट आपको .txt फाइल में मिल जाएगी। इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसने कुछ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को भी इसमें आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, जो कि एक वल्नरेबिलिटी रहती है डिबग मोड जो है इस एप्लीकेशन को ऑन रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि दिस इज़ ए वेरी डेंजरस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, और द अटैकर विल बी एबल टू स्निफ द डिबग मैसेज बाय लोकेट। ओके, ठीक है, तो जहाँ पर इसका कुछ वल्नरेबल जो कोड रहेगा उसका इसने लोकेशन पाथ भी दे दिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे और करते हैं। और इसमें जो है कुछ SQL इंजेक्शन नाम की वल्नरेबिलिटीज भी हमें मिली है, जो कि हो सकता है कुछ जो डेटा स्टोर करी हो वो प्लेन टेक्स्ट में हो, कोई भी इंक्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहा हो। इसने हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन नाम की भी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज को एक हिंट दिया है, फाइंड हो सकती है इसमें। ठीक है, वो आपको मैन्युअली अप्रोच करना पड़ेगा कि इसमें जो RCE वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक स्कैनिंग टूल है जो कि आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। ये एक सिर्फ स्कैनिंग टूल है जो कि आपको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करके देता है। तो एक और मैं चीज़ बता दूँ कि जो इसके फीचर हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक स्टैटिक एनालिसिस करता है, रिपोर्ट को जनरेट करके देता है और काफ़ी मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को चेक करने में हेल्प करते हैं, लाइक इनसिक्योर डेटा स्टोरेज है, वीक इनक्रिप्शन है, डिबगेबल एप्लीकेशन है आपके अगर फ़ोन में। ठीक है, अगर आपको इसको लिनक्स के अंदर भी सेटअप करें तो यहाँ पर आपको सारी सारी यहाँ पर कमांड और यूसेज कमांड यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप इसको लिनक्स या काली लिनक्स या उबंटू लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।